मेरा नाम शेखर गंगुली है और मैं लेट सैमुअल संगमा की पिताजी हूँ और रोजी संगमा की ब्रदर इन लॉ। तो मैं ये इंसिडेंट के बारे में कुछ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। लेट रोजी संगमा जो अराउंड 3-4 ईयर से बाहर है, वो पहले जॉब करती थी एक कंपनी में और 2 साल से वो एयर होस्टेस में जॉब मिली थी उनको गोई एयरलाइंस में। तो 2 ईयर से जॉब कर रही थी एयरलाइंस में। तो अभी फिलहाल उनको लीव में थी, घर में बैठी हुई थी। और सैमुअल जो है वो पहले चंडीगढ़ में कॉल सेंटर में काम करते थे, अभी 2-3 महीने से वो दिल्ली में बैठे हुए थे, जॉब नहीं था उनका। तो दोस्तों का साथ वगैरह रूम रेंट में रहते थे पहले। तो 24 का उनका टिकट बन गया था दिमापुर में आने के लिए, इसलिए उन्होंने रूम को छोड़ दिया। फिर उन लोगों ने होटल अमलताज इंटरनेशनल में रूम रेंट में लेके बैठे हुए थे। उसके दोस्त थे वगैरह 5-6 वगैरह, वहीं उन लोगों ने रूम रेंट में लेके बैठे हुए थे। तो इंसिडेंट ऐसे हो गया कि डेट 23 को रोजी संगमा जो है उनका घर है बिजवासन दिल्ली में, जो अपने बड़े भाइयों के साथ रहते थे, अल्बर्ट संगमा और गोल्बर्ट संगमा, और छोटा भाई बेंजामिन संगमा के साथ रहते थे। तो 23 को उनको थोड़ा दर्द हो रहा था, शाम से थोड़ा तकलीफ हो रही थी उनकी, लेफ्ट साइड में पेन हो रहे थे। तो इसका पेन का वजह से फिर उन्होंने, उनके ब्रदरों ने शाम को रात में उनको एक लोकल डॉक्टर के पास में लेके गए। लोकल डॉक्टर ने देखा तो उनका बीपी लो है, तो उसने बोला है कि उनको मेडिसिन वगैरह दे दिए कि विटामिन वगैरह खाओ और खाना वगैरह खाओ, उससे आपका ताकत हो जाएगा। तो वीकनेस फील हो रही थी, तो यही मैटर थी। वो बेड रिडन भी नहीं थी और सीरियस भी नहीं थी, जो सीरियस हो गई थी ऐसी मैटर भी नहीं थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, उसे करके भेज दिया घर में। फिर भी घर में आने के बाद में उसका पेन कम नहीं हो रहा था। तो सिस्टर, हम लोग का यहाँ डिमापुर में उनके बड़े सिस्टरों से बात हुए, हम लोग के साथ बात हुए, तो हम लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल अभी मत लेके जाओ, कोरोना का सिचुएशन है, तो ऐसे ही बोले हैं। तो फिर डिस्कशन हो रहा था तो उन लोगों ने बोला कि हमको पेन हो रहा है, रोजी ने बोला कि हमको पेन हो रहा है भाई वगैरह। तो मेरा लड़का अलग जगह में रहता था, वो आपका वही रहता था सफदरजंग में। तो ऐसा करके फिर उन लोगों ने डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हॉस्पिटल लेके जाए कि नहीं जाएगी। फिर भी उनकी पेन लेफ्ट साइड में सीवियर पेन हो रही थी, लेफ्ट हैंड में और पैर में। तो ऐसे करके मेरे लड़के ने रात में आके अराउंड 1 में वो कैब लेके उसके घर में आ गए। खबर सुनते ही कि उसके आंटी सिस्टर आपका मौसी उनका तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे सुन के कैब लेके उसके घर में आ गए। तो फिर उन लोगों ने बातचीत करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। अराउंड 3 में उन लोगों ने गुड़गांव के पहले हॉस्पिटल लेके गए कोलंबिया एशिया में। तो कोलंबिया एशिया में पहले उन लोगों ने लेके गए। तो उन लोगों ने वहां जांच पड़ताल की, तो उन लोगों ने बोला कि ब्लड कमती है, बूस्टर में थोड़ा पिसाब से थोड़ा ब्लड जा रही थी उनकी, सीरियस हैवी ब्लीडिंग ऐसा कोई मामला नहीं था। उन लोगों ने, उन लोगों को सिस्टर ने भी नहीं बोला है कि ऐसा मामला है बोल के, तो ब्लड थोड़ा कमती थी यही बोला। तो उन लोगों ने बोला उनको एडमिट करना पड़ेगा, कंडीशन वीकनेस बहुत है, ब्लड कमती है। तो फिर उनके बड़े भाई अल्बर्ट संगमा ने पूछा कि कैसा एक्सपेंडिचर कॉस्ट कैसा है कोलंबिया में। तो उन लोगों ने यही बताया कि कोलंबिया में अराउंड 70,000-80,000 रुपया लगता है। तो उन लोगों ने बोला कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों ने यही बताया कि आप कोई भी हॉस्पिटल में ले जाओ, उनको एडमिट करना, घर में लेके मत जाना। तो तुरंत उन लोगों ने अराउंड 30 मिनट के अंदर उन लोगों ने नेक्स्ट हॉस्पिटल गुड़गांव, थोड़ा और दूर में था, इंटीरियर में था, तो थोड़ा अंदर में ले जाके अल्फा हॉस्पिटल सेक्टर 9-10 उसका बसाई रोड में वहां लेके चले गए। तो अराउंड मॉर्निंग का तरह में पहुंच गए वहां में। तो उन लोगों ने एडमिट हुआ, देखा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है। तो उन लोगों ने बताया क्या कि इसको आईसीयू में डालना है बोल के उन लोगों ने आईसीयू में डाल दिया उनको। तो बाद में थोड़ा उन लोगों ने बोला कि ये कंडीशन ठीक हो जाएगा, स्टेबल होके बैठी थी वो। तो ऐसे कंडीशन ठीक हो गया बोल के उन लोगों ने घर में भी फोन किया, जो अभी सिस्टर स्टेबल है। तो सिस्टर ने भी बोला कि उनका पैर की लेग वगैरह पेन कमती हो गया, तो ऐसा करके तो अच्छे हो गए, नॉर्मल हो गए बोल रहे थे। डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर वीडियो में निकला, उन्होंने भी आके बोला कि अभी कंडीशन ठीक है, तो ब्लड चलाना पड़ेगा ऐसा भी बोला है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने बोला कि ये अच्छा हो गया, तो इसको घर में आप शाम तक देखो, फिर ले जा सकते हो आराम से। तो ये एश्योरेंस देने की वजह से मेरा ब्रदर इन लॉ जो है
अल्बर्ट संगमा, उसने बोले कि तो मैं तेरा खाना खा के आता हूँ, तो थोड़ा बाहर चले गए नाश्ता वास्ता करने के लिए। उस टाइम मेरा लड़का सामुएल वो भी उनका साथ में था, उसको भी कुछ कागज दिया उन लोगों ने, कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आइए, तो उसने भी बाहर चले गए। तो ऐसा करके फिर आके देखा कि 5-10 मिनट के अंदर में आके देखा कि वो आइसक्रीम खा रही थी। तो मेरा सवाल और हमारा सवाल यही है कि जब एक पेशेंट उन लोगों ने बोला है कि सीरियस है, ऐसा है वैसा है, तो जो पेशेंट नॉर्मल उठ के बैठी है उसको आइसक्रीम खिलाने का क्या क्या प्रोटोकॉल है, क्या मतलब है? जो आइसक्रीम खाने के बाद में उसकी कंडीशन पूरा सीरियस हो गई और डिटेरियट हो गई, वो आवाज भी नहीं निकाल रही थी, फंबलिंग कर रही थी। वही वीडियो मेरे लड़के ने बनाया, इमीडिएट उसका लाइव वीडियो बनाया है। तो लाइव वीडियो बनाने के टाइम में भी उसने पूछा क्यों आप आइसक्रीम खिलाए हो, पेशेंट आईसीयू में आइसक्रीम नहीं खिलाया जाता, सबको पता है, सब डॉक्टर को पता है, तो आपने क्यों खिलाया? तो उस टाइम ये लड़की औरत जो नेक्स्ट डॉक्टर है, उनका नाम शायद अंजलि है, उसने आके वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसने बोल रहा है कि आइसक्रीम इज नॉट ए मैटर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हॉस्पिटल अथॉरिटीज से, सबका सामने यही जानना चाहता हूँ, कैसे आइसक्रीम इज नॉट ए मैटर? एक सीरियस पेशेंट है बोलने से तो आइसक्रीम क्यों खिलाया जा रहा है, जिसका वजह से इमिडिएटली आइसक्रीम खाने के वजह से उनका सीरियसनेस हो गया, डिटेरियट हो गया, फिर डेथ हो गई। जो लड़की उठ के बैठी थी, बातचीत कर रही थी, वो लड़की कैसे इमिडिएटली सीरियस हो सकते हैं आइसक्रीम खाने के बाद में? इसका मतलब है आइसक्रीम से इमिडिएट कुछ हुआ है, आइसक्रीम से रिएक्शन हुआ है, या आइसक्रीम में कुछ था मिलावट, इसके वजह से ऐसा सीरियस हो गया। जब लड़की वीडियो बना रहा था, उसने एक पेपर भी दिखाया, तो उस पेपर को उन लोगों ने नहीं दिखाया। तो एक बार दिखाया बोल रहा है, फिर भी उन लोगों ने पेपर को नहीं दिखाया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों ये पेपर हाइड कर रहा था। पहला सवाल है कि आइसक्रीम क्यों खिलाया, एक आईसीयू पेशेंट को आइसक्रीम खिलाने के बाद में ऐसा सीरियस हो गया। दूसरी बात है क्यों पेपर हाइड कर रहे हो, अगर ये पेपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉल प्ले नहीं है, तो ये पेपर को क्यों आप लोगों ने हाइड कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले सुना है कि वेरिफिकेशन दे रहे हैं उन लोग, डॉक्टर रिपोर्ट गया है, उन लोगों ने वे बोल रहे हैं कि नहीं दूसरे पेशेंट की थी, दूसरे पेशेंट की थी होने से तो फिर दिखाने में क्या तकलीफ था? हम लोग का पेशेंट का है इसीलिए उन लोग छुपा रहे हैं, दूसरा पेशेंट के होने से भी दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर दूसरा पेशेंट का होता तो हमें डाउट क्लियर हो जाता। अब आप बोल रहे हो कि गुस्सा में दिखा रहा था, नाराजगी में नहीं दिखा रहा, ये मतलब नहीं है। ये इसका मतलब आप टोटल लाइव कर रहे हो, लाइव झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। इस पेपर दूसरा पेशेंट की थी, अगर दूसरा पेशेंट की थी, हमारे पेशेंट की नहीं थी, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, अभी अभी इतना दिन बाद में आप झूठ बोल रहे हो। पहले में तो कैमरा का साथ में भी नहीं आ रहे थे आप लोग, तो ऐसा वीडियो बनाने के चक्कर में लड़के को एसोल्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, एक डॉक्टर होकर उनका एसोल्ट कर रहे हो, मार रहे हो। तो लड़का ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर का क्या ड्यूटी होता है कि पेशेंट को मारने के बाद में फिर उसके अटेंडेंट को मारना, ये कहाँ का रूल है, कौन सा हॉस्पिटल में ऐसा किया जाता है? तो इसका मतलब आप कंप्लीट मेडिकल नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से रोजी संगमा की डेथ हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस। मैं ये चाहता हूं कि सीएमओ का तरफ से जांच हो, दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का तरफ से जांच हो। उसके बाद में लड़का को इतना डिप्रेस कर दिया आप लोगों ने, उन लोगों ने फिर वैन भी बुला दिया, हम लोग अटेंडेंट को नहीं बोलने का इन्फॉर्मेशन नहीं देके उन लोगों ने मोर्चुरी वैन बुला दिया कि बॉडी को ले जाना है। मैं ये जानना चाहता हूँ जिस पर्सन का डेथ हो जाता है उनको अटेंडेंट को बिना बोले क्यों वैन बुला रहे हो आप लोग? इसका मतलब आप लोगों का फॉल प्ले है, कुछ ना कुछ है गड़बड़, क्यों आप बुला रहे हो वैन को? तो वैन को भी हम लोगों ने बोला कि पुलिस आने वाली है, मत जाओ, तो वैन वाला भी नहीं गया। आप स्टेटमेंट ले सकते हो वैन वाला को, तो वैन वाला को आप लोग क्यों बुला रहे हो? ये दूसरा तीसरा सवाल है जो इसमें आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बिना हमको इन्फॉर्म किए क्यों वैन बुला रहे हो? अगर कहीं ले जाना है, मोर्चुरी में ले जाना है, हॉस्पिटल में ले जाना है, पोस्टमार्टम करना है, तो हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहिए जो हम वैन बुला रहे हैं। हमें बिना इन्फॉर्म किए उन लोगों ने, हमारा ब्रदर इन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किए वैन बुला रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो आप भी सफाई दे रहे हैं, खुद का सफाई देने से नहीं होगा, वो अभी अलग केस बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये बोल रहे हो। तो इन लोगों ने बोला कि हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। हैवी ब्लीडिंग होता तो उसका पहला दिन ही हम दूसरा हॉस्पिटल में इमीडिएट एडमिट कर देते। हैवी ब्लीडिंग के बारे में लड़की ने भी हमें कुछ नहीं बताया, उसने बताया कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो हम क्यों झूठ बोलेंगे? अगर डॉक्टर का वर्षन आप दे रहे हो, लेकिन डॉक्टर तो खुद को बचाने के लिए ये सब बोलेगा ही। तो लड़का को भी इतना डिप्रेस कर दिया, फिर लड़का साथ हमने कॉन्टेक्ट नहीं हुआ उनका। तो बाद में स्टूडेंट यूनियन वाला आ गया, नगर स्टूडेंट यूनियन दिल्ली और सुनी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली, उन लोगों ने आके फिर बातचीत किया लड़का का साथ, फिर हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन का साथ बातचीत हुआ, तो उन लोगों ने बोला है
रोजी संगमा का इंसिडेंट रात में 23rd में हुआ था, सुबह 24th में उनका डेथ हो गई थी, अराउंड 11 जैसे में उनका डेथ हो गई थी। तो उस दिन 24th में भी रात में सामुएल का साथ में उसका दोस्त वगैरह और स्टूडेंट यूनियन वाले लोग उनका साथ बैठे थे होटल में, वो होटल चले गए थे, तो उनको भी कंसल्ट कर रहे थे। तो उन लोगों ने बताया कि हम डेड बॉडी भेज देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम चले जाओ दिमापुर नागालैंड में चले जाओ। तो ऐसा वगैरह बात करने टाइम फिर नेक्स्ट सुबह में भी लड़के ने मेरे साथ बात किया, कॉल किया मेरे साथ, फाइट में कॉल किया। मैंने भी वही समझाया उसको, तू अब देख आ जाओ, अभी यहाँ रहने की जरूरत नहीं, आंटी का बॉडी लेके आ जाओ। 9 बजे में पुलिस स्टेशन में बुलाया है सबको। तो उसने, क्योंकि उसने भी पुलिस को बोला था इसलिए उनका सिग्नेचर चाहिए था लड़का का। तो फिर नेक्स्ट 8:30 में उसका मम्मी का साथ बात हुआ, मम्मी ने भी यही बोला है कि माता जी ने तो ऐसा अपडेट में आ जाओ, उनका साथ बाद में बात करेंगे केस क्या करना है। तो लड़का ने बोला नहीं मैं फाइट करूंगा, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं केस करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। यही बातचीत वगैरह चल रही थी। तो बाद में उसका कॉल काट हो जा रहा था, कॉल काट हो जा रहा था। तो कॉल काट होने के बाद में भी उनका साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने भी कॉन्टेक्ट किया, उसका मम्मी ने स्टूडेंट यूनियन लड़काओं का साथ कॉन्टेक्ट किया, दोस्तों का साथ कॉन्टेक्ट किया। तो उन लोगों ने किसी को भेजा देखने के लिए, तो जाके आधा घंटा हाफ एन आवर के अंदर में जाके देखा था कि वो सुसाइड होके था, हैंग होके था। तो फिर हम लोगों ने डिप्टी जब यहाँ लाया तो हम लोगों ने देखा बॉडी में भी इंजरी मार्क्स है। तो अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यही बोल रहे हैं कि सुसाइड है, तो इंजुरी नहीं है बोल रहे। फिर भी इंजुरी का मार्क्स हमने देखा है, हमने लाइव वीडियो है बनाया, एक वीडियो बनाया हमने, तो इंजुरी मार्क्स हमने पाया है इसका। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन करें। जो लड़का फाइट करना चाहता था, जो बाहर बाहर में रहता, 3 महीना से वो बाहर में रह रहा है, मम्मी का साथ आके यहाँ आने वाला था, 24 का उनका टिकट भी था सामुएल का। तो 3 साल से वो बाहर में काम कर रहे हैं, कलकत्ता बेंगलोर चंडीगढ़ में काम किया, तो आखिर में आके दिल्ली में था 3 मंथ से। उस टाइम में तो वर्किंग नहीं कर रहे थे, कोविड की वजह से सब बंद हो गया था। तो उसने आने आने के लिए टिकट भी कर रहा था। तो जो लड़का इतना फाइट किया, जो अपने आंटी को जस्टिस दिलाना चाहता था, वो लड़का कैसे सुसाइड पोजीशन में मिला है, उन्हीं हम ना जानना चाहते हैं। हमारा अपील यही है सबको, दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको यही अपील है कि इसका क्लियर कट जजमेंट हो, क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन हो और हमको सच्चाई जनाया जाए। इसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी सीसीटीवी कैमरा हो, कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, एविडेंस हो, फोन हो, किसी का साथ भी छेड़खानी नहीं किया जाए, यही रिक्वेस्ट है। मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच का साथ डीसीबी आपका गुड़गांव जो SIT फॉर्म किया है उनका भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और डीसीबी जिसका अंडर साउथ वेस्ट का अंडर में जिस दो पुलिस स्टेशन का अंडर में जो केस है उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई इन्फ्लुएंस ना हो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज का तरफ से, क्लियर कट फ्री एंड फेयर जजमेंट हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, और सच हमें जानना चाहे, हम लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।